हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अभी, और दोस्तों आप देख रहे हैं टेक अभी। फाइनली दोस्तों केडीएम ब्रांड ने सबसे लेटेस्ट और एक नया ब्लूटूथ लॉन्च किया, जिसे कि आप इसका बॉक्स देख रहे हैं। सबसे लेटेस्ट और नया दोस्तों, इसके अंदर एफएम भी आने वाला है इनबिल्ट, तो ये काफी अच्छी बात है। पूरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले तो वीडियो एंड तक देखना, और इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो काफी लोग दोस्तों वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो देखने मिलेंगे। शायद कोई आपका काम का प्रोडक्ट मैं कोई अनबॉक्सिंग करूं और वो शायद आपको परचेस भी करना हो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आपको मिल जाएगा, तो उस पर भी आप मुझे फॉलो कर देना, क्योंकि उस पर भी बहुत एक्टिव रहता हूं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं कि आपको परचेस करना चाहिए, यानी सारी डिटेल में बात करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट दोस्तों, जैसे कि आप इसका बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे केडीएम ब्रांड का लोगो दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया मॉडल नंबर A3FM, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि दोस्तों इसके अंदर इनबिल्ट एफएम भी आने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात है। और सबसे फर्स्ट मैं कहूंगा ऐसा ब्लूटूथ है जिसके अंदर एफएम भी आने वाला है। अगर आप म्यूजिक नहीं सुनना चाहते तो एफएम भी स्टार्ट करके आप चला सकते हैं, तो काफी अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पे थोड़े हाईलाइट दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बैक साइड में सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पे प्राइस लिखा है 1999 रुपीज़, बस आपको ये दोस्तों मार्केट में 800 से या 900 रुपए के आसपास आपको ये मिल जाएगा। और ये तीन कलर में अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू, ग्रीन और ग्रे कलर का हमारे पास है दोस्तों, वो ब्लू कलर का है। चलिए फर्स्ट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं खुद परचेस करके दोस्तों आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर भी दोस्तों एक टैग लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं डू नॉट एक्सेप्ट, इसे भी कट कर लेते हैं। कुछ इस तरह का पैकिंग है दोस्तों इसका। यहाँ पे फर्स्ट हमारा ब्लूटूथ रखा गया है, जो मैंने आपको बताया ब्लू कलर में हमने परचेस किया है। इसे हम साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। एक आपको केबल मिलने वाला है दोस्तों, जो चार्जिंग केबल है, USB 2 Type-C वाला केबल दिया गया है। केबल लेंथ की बात करूं तो केबल लेंथ दोस्तों एवरेज दिया है, पर क्वालिटी काफी अच्छा है। आप इसे भी चार्ज कर सकते हैं या अपने फोन वाले केबल से भी दोस्तों इसे चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट अपने ब्लूटूथ की तरफ। कुछ इस तरह का दोस्तों ब्लूटूथ है। क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा वाला क्वालिटी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ब्लू कलर काफ़ी यूनिक लग रहा है, फर्स्ट टाइम दोस्तों इस तरह का कुछ कलर मैंने दिखा है केडीएम में, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी केडीएम ब्रांड का लोगो दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों इसका मॉडल नंबर मेंशन किया है, मैं आपको बता देता हूँ। वायरलेस ईयरफोन मॉडल नंबर KDM A3FM, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ब्लूटूथ की बात करें तो दोस्तों इसमें ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है 5.1, जिसे कि आप देख सकते हैं। क्वालिटी की बात करें दोस्तों, क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी दिया गया है। ईयरबड्स की बात करें तो ईयरबड्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पे दोनों ही साइड दोस्तों केडीएम ब्रांड का लोगो भी दिया गया है, और एक्स्ट्रा हेडफोन्स भी दिया। आपको ये निकालना है तो आप इसे निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी वजह से दोस्तों कान में काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों फिटिंग हो जाएगा। दोनों ही साइड दोस्तों केडीएम ब्रांड का लोगो दिया गया है। केबल की बात करें तो दोस्तों केबल में जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक कोटिंग किया गया है, तो इसकी वजह से दोस्तों केबल कट नहीं होगा आपका। जो बाकी सब ब्लूटूथ आते हैं उसमें आपको पता हो तो ये अगर खींच जाएगा तो ये कट हो जाता है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके ऊपर कोटिंग दिया गया है, अब इसे कुछ भी करोगे तो भी ये कट नहीं होने वाला है आपका केबल। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका किस तरह का। यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, जो मैंने आपको बताया था चार्जिंग केबल इसके अंदर आया, टाइप सी वाला चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे। इसे स्टार्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे बटन दिया गया है, ये वाला, थोड़ी देर तक आपको प्रेस करके रखना है। ये स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू और रेड लाइट हो रहा है। अभी इसे कनेक्ट कर लेते हैं और FM भी देखते हैं किस तरह से यूज करना है। पूरी डिटेल में बात करने वाले दोस्तों, तो एंड तक बने रहना वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कनेक्ट करने के लिए, और दोस्तों मैंने इजीली है दोस्तों इसे कनेक्ट करना। जैसे आप ब्लूटूथ स्टार्ट करोगे
दोस्तों इसमें शो कर देगा आपका KDM A3 FM करके, जिसे कि आप देख सकते हैं। इसका बैटरी लेवल भी दिखा रहा है इसके अंदर 70% अभी इसका दोस्तों बैटरी, और मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। मैं चेक कर रहा था इसका साउंड किस तरह का है। साउंड की बात करो दोस्तों काफी अच्छा काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी है। जैसे कि मैंने आपको क्वालिटी की भी बात करी, क्वालिटी भी दोस्तों इसका काफी बढ़िया है। केबल लेंथ की बात करो तो केबल लेंथ भी दोस्तों काफी बढ़िया दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंफर्टेबल हिसाब से आपके जो कान तक जाएगा उतना ही इसमें दोस्तों केबल दिया गया है। और दोस्तों मैंने जो आपको बताया था ये दिया गया, इसकी वजह से काफी अच्छी तरह से दोस्तों ये कान में भी और फिटिंग हो रहा है। चलिए मैं एक बार आपको साउंड बता देता हूँ किस तरह का इसका। दोस्तों साउंड की बात करो तो साउंड ज़्यादा इसका बेहतरीन नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे KDM के प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग किए हैं पर इसका मुझे साउंड कम लगा है। बेस काफ़ी अच्छी तरह से क्लियरली सुनाई दे रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे वो भी काफ़ी अच्छी तरह से और क्लियरली सुनाई दे रहे हैं, पर दोस्तों साउंड काफ़ी लो आ रहा है, आई डोंट नो क्यों। साउंड कहूंगा दोस्तों एवरेज है, ज्यादा हाई लेवल का साउंड सुनना चाहते तो वो आपको इस प्रोडक्ट में नहीं मिलने वाला है KDM के। बाकी इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छी तरह से बज रहा है, बीस भी दोस्तों काफी अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, बट साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी एकदम फुल रखा है। बाकी काफी बार मैं कहता हूँ कि अगर वॉल्यूम फुल रखोगे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट इसका वॉल्यूम भी दोस्तों मैंने फुल किया हुआ है, बट साउंड मुझे अच्छी तरह से म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, इसके अंदर FM का मोड भी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बटन है। और वॉल्यूम कंट्रोल जो दोस्तों दिया गया वो यहाँ पे दिया गया, इसका वॉल्यूम कंट्रोल ऊपर की साइड है। अगर आप FM थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे दोस्तों तो ये आपका ब्लूटूथ से डिसकनेक्ट हो जाएगा आपके फोन से और दोस्तों इसका FM स्टार्ट हो जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, FM को सुनना चाहते हैं, तो थोड़ी देर तक आप इसे प्रेस करके रखना, ये ऑटोमेटिकली दोस्तों फोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वो भी आपका बैटरी बचने वाला है, सिर्फ इसका ही दोस्तों बैटरी यूज होने वाला है। और FM भी इसके अंदर आपको सुनाई देगा, वो भी मैंने एक बार चेक करके देखा, FM भी काफी अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है। जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट कर दिया दोस्तों FM, FM की बात करो तो FM भी कंप्लीटली क्लियरली सुनाई दे रहा है दोस्तों। अब यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं, और उसका वॉल्यूम भी अप डाउन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे बटन दिया गया है आपको। अगर आपको वापस ब्लूटूथ कनेक्ट करना है चालू में ही, तो आपको थोड़ी देर तक FM वाला बटन जो है वो आपको प्रेस करके रखना है। जैसे आप वो प्रेस करके रखेंगे ऑटोमेटिकली साउंड आपको कान में सुनाई देगा, ब्लूटूथ मोड कनेक्ट हो चुका है तो आपके फोन से ऑटोमेटिकली दोस्तों ये कनेक्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों फंक्शन दिए गए वो काफी अच्छा था, FM की बात करूँ तो FM भी दोस्तों काफी अच्छा दिया गया, बट साउंड थोड़ा सा मुझे इसमें कम लगा है इस प्रोडक्ट में। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल आपको दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर लेना, काफी अच्छी प्राइस में आपको यहां से प्रोडक्ट मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।